मगरले 8 साल तो लगातार बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नू दबाना चाहती है। बार बार कदे ईडी का हवाला कदे सीबीआई का हवाला दे के उस परिवार नू डराना चाहती है, उस सोच नू डराना चाहती है जिहड़ी सोच आरएसएस की विचारधारा नू देश के अंदर लागू नहीं होने दिंदी। और लोकतंत्र दे विच अज दा दिन है जिहड़ा वो काले अक्षरां दे विच लिखिया जाएगा। जिन्हां एजेंसीज ने चाहे वह ईडी है चाहे सीबीआई चाहे डीआरआई चाहे इनकम टैक्स इन्हां दा दुरुपयोग कर रही बीजेपी। मकसद यह है कि किसी तरीके ओपोजिशन की आवाज़ नू तुसी दबा दिओ, इन्हां नू धमकाओ। यह बदलाखोरी की जी कार्रवाई है यदा विरोध कर लिया अज लोग एकत्र देश पद्धर से होए। कभी बीजेपी ने पिछले 8-9 साल इन्हां एजेंसियों के राही किसी बीजेपी के लीडर की भी कोई तहकीकात कराई है? देश दियां उन्हां एजेंसियों के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ जिस तरह देश दियां एजेंसियां जिन्हां असी नाम दिता गया ईडी नूं नाम दिता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी मोदी जी की है, उन्होंने अज मोदी जी के कहनते भाजपा सरकार के कहनते आदरणीय राहुल गांधी जी नूं नैशनल हराल्ड के मामले के विच समनी की है। और मगरले 8 साल तो लगातार बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नू दबाना चाहती है, कदे उन्हां तो सिक्योरिटी वापस लेके हो गया एस पी जी सी जिहड़ी वह वापस ले गई, फिर वार वार कदे ईडी का हवाला कदे सीबीआई का हवाला दे के उस परिवार नू डराना चाहती है, उस सोच नू डराना चाहती है जिहड़ी सोच आरएसएस की विचारधारा नू देश के अंदर लागू नहीं होने दिंदी। और आज राहुल गांधी जी ईडी के सामने पेश हो गए और साढ़े तमाम लीडर साहबान साबका मंत्री एसीसी के लीडरशिप साहबान उन्होंने नाल जाना चाहते सन, एमपी साहबान, तो देश की राजधानी नू शौमनी दे विच तब्दील कर दिता गया। ना केवल शौमनी दे विच तब्दील किया, साढ़े कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबाना उन्हां घरां दे विच छापेमारी करके उन्हां नू गिरफ्तार किया तां जो वो राहुल गांधी दे नाल ईडी दफ्तर तक पहुँच ना सकन और कईआं नू वड्डे बैरीगेडिंग ला के AICC दे अंदर ही बंद कर दिता गया। सो मैं समझदा कि ये लोकतंत्र दा कहाणा है और लोकतंत्र दे विच अज दा दिन है जिहड़ा वो काले अक्षरां दे विच लिखिया जाएगा। मैनू लगता कि शायद अंग्रेजां दे समय भी ये नहीं हुंदा सी, अंग्रेजां दे समय सानू ये पता सी कि साढ़े दुश्मन फरंगी हैं। आज साडे देश दे ही कुछ लोग कुछ ताकतां जिहड़ियां विचारधारा नूं और कांग्रेस पार्टी की सोच नूं दबाउणा चाहुंदियां, अज उह ताकतां साडे लीडरशिप के खिलाफ एजेंसियां दा इस्तेमाल कर रही। मैं चेतावनी देना चाहना उन्हां एजेंसीज नूं कि तुसीं मोदी जी दे इशारे ते इस तरह के काम ना करो। समा आता जाता रहा समा करवट लेंदा रहा। असी लोग भी ताकत दे विच रहे लेकिन इस तरह के काम कदे कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। ये लोकतंत्र का खान मैं समझना कि अज ये महसूस हो रहा कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वह भी लोग कहिंदे सन ये गल कि वह बीजेपी की बी टीम है। इस तरह का ही काम उन्होंने शुरू किया वे विजिलेंस। अगर कोई व्यक्ति वास्तव के गुनेगार है तो गुनेगार है वो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए है। लेकिन जिस प्रकार हर व्यक्ति नू टारगेट किया जा रहा है, मैं कदे संगत सिंह जी साहब के खिलाफ कोई गल नहीं सुनी,
मैं कहने भारत भूषण आशु के खिलाफ कोई गल नहीं सी। सो इस तरह की गल तृप्त रजिंदर बाजवा साहब के खिलाफ कदे कोई गल नहीं। सो इस तरह दियाँ गल्लां इस तरह दियाँ बातां मैनू लगता कि एजेंसीज का दबाव पा के वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को दबाना चाहते हैं और डराना चाहते हैं और कुछ लोग जिहड़े डरदे ने उन्होंने बीजेपी वाल तोरना चाहते। वो चाहते हैं कि या लोग बीजेपी वाल चले जाए जा साडे वाल रहे। बीजेपी वालों भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इस तरह के जेडे प्रोटेस्ट है ना विखावे लिए तो जरूर चलते रहते हैं, वो जरूर चलते रहने। पर जिस तरह दरकत हो रही नवे रीति रिवाज और जिस तरह दरकत हो रही ये तो अंदाजा लाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ए तो बी टी फिर तो कहने का भाव है जो उधर गए हैं बीजेपी के गए हैं इधर अपने कांग्रेस के मंत्री से दूसरे से करप्ट से मैं किसी को करप्ट नहीं कहना चाहता जी, क्योंकि बिना तथ्यों को बिना तथ्यों को किसी के बारे कोई गल कहनी चंगी गल नहीं है। क्योंकि मैनू पता है कि जो पंजाब की विधानसभा के अंदर साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोलिया, उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप स्कैम है। जलंधर के भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी, लेकिन अज जो स्कॉलरशिप स्कैम है जिरी लोगों चर्चा सी जो अपोजिशन ने मुद्दा चुकया से उरी कोई गल ही नहीं है। अज एक नवा मुद्दा है साधु सिंह जी ने इनक्वायरी च नहीं बुलाया गया ना गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा गया कि एक प्राइवेट बंदे की डायरी चो ये मिले है कि वह साधु सिंह जी को 500 रुपया दिता सी। हो सकता कल किसी की डायरी चो थोड़ा नाम भी मिल जाए डायरी चो। मैं थोड़ा फिर कहना चाहना मैनू यह लग्या मैं महसूस करता सी शायद साधु सिंह जी ने इस मुतलक गिरफ्तार किया गया होना, यह तो कोई मुद्दा ही नहीं सीगा। और किसी भी डायरी किसी का ना होना यह कोई अहमियत नहीं रखता कानूनी तौर पर। थोड़ा पता होना एक बार जैन डायरी हुई सी और कई लोगों का नाम सी, लेकिन वो सारे बाइज्जत कानून ने बरी कर दी। मैं थोड़ा फिर कह रहा कि वह क्लीन चिट किस बिहाफ पर दिती गई या नहीं दिती गई अज दियाँ फाइल दस सकती है, क्योंकि मैं तो मंत्री नहीं सी ना मैं मुख्यमंत्री सी ना मैं ब्यूरोक्रेट सीगा। पर मैनू लगता कि किस मुद्दे पर क्लीन चिट दिती गई वो लोगों के सामने रखा जाए। एवं इन्होंने अपना मंत्री फड़िया कह दिता गया कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग आई है वो जनता के सामने रखने की गल सी। तुसी देखिया होना है मंत्री जो फड़िया तो मंत्री कह रहा मेरे खिलाफ साजिश है, तो जो मंत्री तीन दिन के रिमांड से बाद फिर जा रहा है जुडिशरी रिमांड तो कह रहा है कि बाहरलियां ताकतों की साजिश है मेरी पार्टी मेरे ना कोई ऐसा नहीं कर रही। कहन का बावजूद कहन का भाव यह है कि समझ आ रहा है कि इस तरह का डर का माहौल पैदा किया जा रहा और ये जी सारी स्टंटबाजी है सारी स्टंट ये हिमाचल से गुजरात के इलेक्शन जितना चाहते हैं लोगों को दिखाना चाहते हैं कि असी बड़े ईमानदार लोग हैं बड़े चंगे ढंग दे नाल असी सरकार चलाउणे। ठीक है मेरे एक साथी ने किन्ना पैसा लाया आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन जो पैसा कितों आया पैसा कौन करेगा इनक्वायरी। सो मेरे कहन तो भाव है तत्थां दे आधार किसी नूं अगर फड़िया जाता सानूं कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बिना किसी गलबात ते अगर किसी ते आरोप ला के तुसी उहनूं विजिलेंस ब्यूरो दे राहीं जाण के खराब करना चाहुंदे हो ये चंगी गल नहीं है, ये माड़ा फिरत है, ये नहीं होना चाहिए। देश पद्धर के उत्ते ईडी के दफ्तर का घिराओ तो धरने दिते जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी विक्टमाइज किया जा रहा बल्कि सारी टोटल ऑपोजिशन पार्टीज इंडिया दी स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू चेन्नई स्टार्टिंग फ्रॉम PDP टू DMK इन चेन्नई सारिया ऑपोजिशन पार्टियां सिलेक्टिवली टारगेट करके ये जिन्या एजेंसीज ने चाहे वह ईडी है चाहे CBI चाहे DRI चाहे इनकम टैक्स इन्हों का दुरुपयोग कर रही BJP और मकसद यह है कि किसी तरीके ऑपोजिशन की आवाज़ नूं तुसी दबा दिओ इन्हों धमकाओ इन्हों डराओ ये 2024 दे विच BJP के सामने खड़ ना सकन। ये बदलाखोरी की जी कार्रवाई आदा विरोध कर लिया अच्छ लोग 71 देश पद्धर हुए। दूसरा मैं पूछना चाहना BJP को एक सादा जहा मेरा सवाल है कि कभी BJP ने पिछले 8-9 साल इन्हां एजेंसियां दे राही किसी BJP दे लीडर की भी कोई तहकीकात कराई है कभी
अक्सर ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ कांग्रेस से ओपोजिशन पार्टीज ही करप्ट ने, उन्होंने लीडर ही करप्ट ने। अक्सर 18-19 स्टेटा में बीजेपी की सरकार है और हर किस्म की करप्शन हो रही है। अडानीज कारपोरेट घराणे फायदा दिता जा रहा वा कि बीजेपी के लीडर दुद्ध तोते हो गए जो बीजेपी के नाल, एक भी बंदे की नहीं। और बीजेपी कारोबारियों की पार्टी है, वड्डे वड्डे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हज़ारा करोड़ों के मालिक ने, लेकिन उन्होंने कार्रवाई ना होना तो ओपोजिशन की कार्रवाई होना यह साबित करता कि बदलाखोरी। तुहाडे सामने मैं जींदा जागदा सबूत है, मेरे तो ईडी ने पहला रेड किया तो नवंबर 2021 मैं अरेस्ट। ना मैं कारोबारी, ना मैं कोई व्यापारी, ना मैं कभी सत्ता च रहा, ना मैं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बैठा, और मैनू चक के थोक के अंदर जेल च देता। सो मेरे केस तो क्रिस्टलाइज हो जाता कि ये एजेंसियां अपने पोलीटिकल ओपोनेंट्स की आवाज़ दबाने बनाई जा रही, क्योंकि मैं किसानों के अंदोलन में जाता सी, मैं नवरीत डिबडिबे की लड़ाई लड़ी, मैं युवापा वर्ग केसेस जो बेगुनाह दलित बच्चे डक दते जेलों च उन्हों की लड़ाई लड़ी, मैं पंजाब की जब लड़ाई लड़ता सो NIA और अजीत डोवाल तो BJP का विरोध करता सैनू उन्होंने टारगेट करके अंदर फड़ के दिता। सो मेरे नाल कई गुणा निर्दोष राहुल गांधी तो सोनिया गांधी जिन्हों ने एक पुराने नैशनल हेरल्ड के केस में उन्होंने हूँ जरा समन किया जा रहा वा, ये सिर्फ दहशत पा रहे। और ये जो अड्डे ने हूँ BJP के, ये किसी वेले कांग्रेस को कहते जी ये CBI जी कांग्रेस का पिंजरे का तोता वा। मैं अज नवा ना दिता कि जिन्या एजेंसियां ने ED CBI DRI इनकम टैक्स ये BJP दियाँ हूँ पिंजरे के चूचे ने, और इन्हों के एक पार्टी के एक्सटेंशन विंग वगू एक अलग काउंटर वगू ये काम कर रहे, ये BJP बंद करना चाहिए, वरना ये जोड़े सिटे ने वो देश की जमहूरीयत वास्ते बहुत भयानक निकल। देखो मैं समझदा वा कि BJP तो आम आदमी पार्टी की मिलीभुगत राजनीति चल रही है। तुम देखो ना एक व्यौतबंदी किदा चल रही है कि जेडे लोगों के करप्शन के इल्जाम से कांग्रेस वेले उन्होंने जदों इनकुआरी का इल्जाम लाता या इनकुआरी अनाउंस करता BJP आम भगवंत मान आम आदमी पार्टी उन्होंने नाम लिंदा कि असी इन्हां कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ असी तहकीकात करांगे, वो सारे BJP जाके ज्वाइन कर जाते। सो BJP की तो आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग है कि आम आदमी की सरकार भगवंत मान तुम इन्हों जरा नोटिस इशू करो, इन्हों इनकुआरिया लाओ, इन्हों विजिलेंस प्रोब लाओ, ता कि BJP की झोली में आन के डिग जाए। दूसरा अज मैं अपनी पार्टी को भी एक इतने बेनती की है कि देखो बदलाखोरी की राजनीति बहुत माड़ी है, पर करप्ट बंदियां की हिफाजत करना उद तो भी माड़ा वा। सो देर हैज़ टू बी ए लाइन ड्रॉन लाइन, इफ इट इज़ पोलीटिकल वेंडेटा 100 बारी लड़ाई लड़ांगे उन्होंने वास्ते, लेकिन जेडे लोग करप्ट ने जिन्होंने कांग्रेस का भारी नुकसान कराया, क्योंकि जो पुंजे बैठे ने कांग्रेस वर्कर इन्हों का तो कोई नुकसान नहीं है, इन्होंने तो कोई करप्शन नहीं की, इन्होंने कोई अहदा नहीं लिया, कभी वजीर नहीं रहे, कभी MLA नहीं बने, कोई चेयरमैन नहीं बने, जो वर्कर्स ने कि इन्होंने करप्शन की, सिर्फ एक क्रीमी लेयर है कांग्रेस की, चंद बंदे जो उतले पद्धर से बैठे थे उंगलों के उत्ते उन्होंने नाम गिने जाते हैं, उन्होंने करप्शन के करके ना सिर्फ कांग्रेस सत्ता तो बाहर हुई लेकिन अज सानू पुंजे बह के धरने मार रहे पै रहे हैं। सो मेरी अपनी पार्टी को लोगों को फरियाद है कि बिफोर स्पीकिंग ऑन पोलीटिकल वेंडेटा रिगार्डिंग करप्शन क्रिमिनल केसिस का 100 वारी हिफाजत करो सरपंचों की, ब्लॉक समिति मैंबर की, कांग्रेस वर्कर की, कांग्रेस प्रधानों की, लेकिन जेडे बंद ने भ्रिष्टाचार किया जिन्हों के इल्जाम ने, क्योंकि या तो फिर कांग्रेस की सरकार अपनी सरकार उन्होंने खिलाफ इल्जाम जो लगे थे वो जांच करवा दी, तथ्य पेश कर दी, जो आप बिना जांच तो आप क्लीन चिट्टा दिने हशर वो होंगे जोड़ा हूँ पंजाब हो रहा वा। इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सपोर्टिंग दोज करप्ट जिन्हें करके पार्टी पंजाब अच्छ नुकसान खा। देख ही लिया वा कि एक पिंड जरा सब तो पहला इन्होंने कहा जी असं जमीन छुड़ा रहे हैं 29 किले सिसवा के लागे, हालांकि वह बंदा इन्हों का पुरानी पार्टी का आगू सगा कैप्टन बिक्रम सिंह जरा पहू पिंड का रहने वाला तरन तारण खेमकरण तो 2017 तो आम आदमी का कैंडिडेट, पर उसकी जमीन छुड़ा के धालीवाल साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अल्टीमेटली वो जरा वो कोर्ट ने स्टे दिता हुआ है, स्टे की उलंघना से एक मिनिस्टर अपने ही अदालत की उलंघना जो करेगा, ता करके खरड़ के अदालत ने उन्होंने तलब किया वा कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट के नज़रिए, शायद 15 जुलाई उन्होंने डेट है। इतने ही बस नहीं, चलेड़ी कलां एक पिंड है फतेहगढ़ साहब जी, उत्ते सारे पिंड नूं पहलां इकट्ठा किया, सारे पिंड दे पुलिस ला के 2500 बंदा पिंड वाले कहिंदे पुलिस ला के सानूं अंदर डक दिता, 417 एकड़ उन्हां दी जमीन वाली, तो फिर उन्होंने बुला के ड्रोन तो बाद उन्हां दी एक फोटो खिचाई मिनिस्टर ने,
कि इन्हां लोगों ने अपनी मर्जी ना सानू 417 एकड़ जमीन वापस दे दी। तो चंद दिन बाद पिंड वाले किसान ने जो क्यों कहते असी 100 साल तो जमीन आबाद की है, 100 साल की वाही है, उन्होंने अपनी जमीन 417 एकड़ वाली। हुण उन्हां दे बदलाखोरी करदे होए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 31 किसानां दे उत्ते मुकदमे दर्ज किए जिहड़े कि सरासर गलत। मेरी पंचायत मिनिस्टर नूं बेनती आ कि इन्हां गरीबां दुआले होण की बजाए जस्टिस कुलदीप सिंह कमिशन की रिपोर्ट चुको जिन्हां ने मोहाली जिले में 50,000 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई की आ। ताकतवर पॉलिटिशियंस ते ताकतवर अफसरशाही दी पहला जे तुहाडे विच जान आ उस नूं छुड़ा के देखो। आ जिहड़े गरीबां मगर पै गए किले किले दो दो किले वाले जिहड़ा बेचारे अदालतों में केस चलते हैं उन्हां ते रहम करो। इस करके जिहड़ा उन्हां ते नोटिस कंटेंप्ट का जारी होया आई होप दैट ही लर्नस हिज लेसन।